नमस्कार, वेज कुकिंग विद अनु में स्वागत है आपका। आज मैं बनाने वाली हूँ एप्पल मिल्क शेक। सेब बहुत ही गुणकारी, बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। कहा जाता है कि इसमें औषधीय गुण विद्यमान है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स, फाइबर होते हैं, तो इसलिए आज मैं बनाने वाली हूँ एप्पल मिल्क शेक। एप्पल मिल्क शेक बनाने के लिए ये मैंने लिया है 1 ग्लास दूध, उबला हुआ दूध, और ये जो है 6-7 बादाम, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। ये 2 मीडियम चम्मच चीनी मैंने ली है और 2 सेब लिया है। तो बस इतनी चीजें चाहिए एप्पल मिल्क शेक बनाने के लिए। दूध हम कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ये शेक पतला चाहिए तो दूध थोड़ा बढ़ा के डाल देंगे, अगर गाढ़ा चाहिए तो आप दूध कम कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है और पीने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले हम सेब का छिलका निकाल लेते हैं। छिलका निकालना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, आप चाहे तो ऐसे ही छिलके के साथ भी इसका शेक बना सकते हैं। इस तरह से हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे इसके। तो इतने बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने काट लिया है और अब हम इसे मिक्सी जार में डाल देते हैं ग्राइंड करने के लिए। मैं छोटे वाले जार में बना रही हूँ, इसलिए 2 बार में बनाऊंगी। आप बड़े वाले जार में बना रहे हैं तो एक साथ ही आपका बन जाएगा। और इसमें हमें दूध पूरा भर के नहीं डालना है, थोड़ा सा ही इसमें दूध डालेंगे, बाकी दूध हम बाद में भी मिक्स कर लेंगे। और 1 चम्मच चीनी, तो ग्राइंड कर लेते हैं इसे हम। तो मिल्क शेक बन के तैयार है। तो ये देखिए एप्पल मिल्क शेक बन के तैयार है। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। और अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा इसमें ये बारीक कटे हुए बादाम को डाल देते हैं और अच्छा टेस्ट आएगा और दिखने में भी प्यारा लगेगा। तो बस ये पीने के लिए तैयार है और इसमें हमें कुछ नहीं करना है। तो आप इस तरह से एप्पल मिल्क शेक बना के बहुत ही आसानी से पी सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।